हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपल रेसिपीज़। आज हम बनाएंगे एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक। बनाने वाले हैं हम होममेड जिंजर एल। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो आप अपने फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं बनाना। उसके लिए मैंने यहाँ पर 50 ग्राम अदरक लिया है। अदरक को मैंने छील के मोटे टुकड़ों में कट किया है। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल करके इसको हमें ब्लेंड करना है। बहुत बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा रफली ब्लेंड भी चलेगा। ये अदरक हो गया है हमारा। अब मैं इसको एक पैन में डाल दूंगी। आप चाहें तो कढ़ाई, पैन, कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं। इसमें डालूंगी मैं लगभग 1 ग्लास पानी, क्योंकि हमें जिंजर को पूरी तरह से पकाना है, अदरक का पूरा फ्लेवर निकल के आना चाहिए। इसमें डाल रही हूँ मैं 1 कटोरी चीनी। अब इसको हम अच्छे से पकाएंगे। हमने चीनी भी डाली है, पानी भी डाला है, तो ये काफ़ी लिक्विड हो जाएगा और थोड़ा टाइम लेगा पकने में। पानी इसलिए भी हमने इसमें डाला ताकि ये तुरंत शुगर सिरप गाढ़ा नहीं होने लगे, अदरक को पूरा टाइम मिले अपना फ्लेवर निकलने का। साथ में डाली मैंने आधी छोटी चम्मच हल्दी। हल्दी के अपने फ़ायदे भी हैं और उससे हमारे जिंजर एल में एक बहुत ही अच्छा सा कलर भी आएगा। अब इसको हम पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर, तब तक ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए। गाढ़ा हमें इतना करना है कि हम इसको डाइल्यूट कर सकें पानी या सोडा के साथ। इतना भी थिक नहीं करना कि हम इसको स्टोर करें तो ये बिल्कुल जम जाए। ये गाढ़ा हो गया है, कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए इसकी। अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन करने के लिए आप पतली छेद की छन्नी ही यूज़ करें, क्योंकि हमने अदरक को ब्लेंड किया है तो वो थोड़े रेशे से हो गए हैं। अगर हम इसको मोटे से करेंगे तो वो रेशे सिरप में चले जाएंगे, फिर वो दांतों के नीचे आएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन करने के बाद ये जो अदरक का रफेज बचा है, मैं इसको फ्रिज में स्टोर कर लेती हूँ। बाद में इसको थोड़ी छोटी छोटी टॉफियों की तरह बना देती हूँ, जो एज अ फ्रेशनर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। आप भी ट्राई कीजिएगा उसको। ये हमारा जिंजर सिरप तैयार है, जो बेसिक सिरप हमें चाहिए एल बनाने के लिए। अब हम ड्रिंक बनाएंगे इससे। मैंने ग्लास में डाले थोड़े आइस क्यूब्स, साथ में डालूंगी मैं अपना ये जिंजर सिरप। कितना स्ट्रॉन्ग आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसको ऐड करें ग्लास में। अगर आपको इसमें जिंजर फ्लेवर और स्ट्रॉन्ग चाहिए तो आप इसको तुरंत स्ट्रेन मत कीजिए, इसको 1 घंटा ऐसे ही छोड़ दीजिए तो वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। साथ में डाला मैंने 1 छोटा चम्मच नींबू का रस, और इसमें डाल रही हूँ मैं सोडा, प्लेन सोडा। आप इसको पानी में भी बना सकते हैं, सोडा डालना कोई कंपल्सरी नहीं है। इसको हम हल्के से मिक्स करेंगे और ये तैयार हो गया है हमारा रिफ्रेशिंग होममेड जिंजर एल। इसको एंजॉय कीजिए और अपने फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए।